हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू हार्डियस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस ऑफ क्लास 10th। अब ये आप लोग क्लास 10th अब कर चुके हो, और क्लास 10th और 11th के बीच एक ब्रीज कोर्स होता है, ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फिलअप करने के लिए हम लोग जो है एक ब्रिज कोर्स पहले फिजिक्स प्लैनेट की तरफ से चलाते हैं, ताकि आपको 11th की चीज़ें समझने में कोई दिक्कत फर्दर ना हो। फिजिक्स में भी किया जाएगा आपके साथ, फिजिक्स में रवि सर करेंगे, मैथमेटिक्स में मैं बीके मिश्रा, एक्स एच ओ डी आई आई टी नारायणा अकेडमी, एक्स एच ओ डी श्री चैतन्या, मैं फिजिक्स प्लैनेट देहरादून से। वैसे तो मैं देहरादून में ऑफलाइन ही क्लास ले रहा था, बट रिसेंटली मैं ज्वाइन करा, रवि सर के साथ मैं अटैच हुआ हूँ। नाम सुन के आपको फिजिक्स प्लैनेट सुन के ये मत समझिएगा कि यहाँ केवल फिजिक्स की पढ़ाई होती है। उनका सेंटर था ऑलरेडी पहले फिजिक्स का, हिस्ट्री यही है, इसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे टीचर्स को कोलैबोरेट करके एक अपना जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नाम अभी वही है, बट यहाँ फंक्शनिंग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, यानी कि नीट और आईआईटी जेई और मेंस सबके लिए प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, रिसेंटली इसी साल किया, ठीक है। तो नाम सुन करके ये कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि जब फिजिक्स प्लैनेट है तो फिर मैथ्स यहाँ पर क्यों। तो पहला तो मैंने ये आपको इंट्रोड्यूस किया कि फिजिक्स प्लैनेट में क्या क्या कोर्सेस हो रहे हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, नीट और केवल आप ये मत समझना कि जेई मेन और एडवांस के लिए यहाँ कोर्सेस हो रहे हैं। यहाँ पर स्कूल की सारी चीज़ें, स्कूल के से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, पहले हम लोग वही पढ़ाएंगे आपको, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे वो जाकर के और भी कोई अदर बोर्ड्स के, ठीक है, ICSE का हो, जिसका भी हो, वो आपके आपको पढ़ाया जाएगा पहले, इसके बाद तब फिर जेई मेन के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, और जेई मेन के बाद जेई एडवांस के लिए पढ़ाया जाएगा। ये तो ऑफलाइन का, बट आप लोग भी बच्चे जानते हो डियर कि अभी जो है इंस्टीट्यूट को परमिशन नहीं है कि ऑफलाइन क्लास ले सकते हो, तो हम लोगों ने क्या करे है, ऑनलाइन जो है क्लास 11th के लिए अपना लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड किया है और आप लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ऑनलाइन होगा, आप जाकर के उस सेम डे जो है अटैच हो सकते हो, ठीक है, और जो नहीं देख पाए सेम डे तो वो उस दिन जो है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, आपको अपना लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप कभी भी अपने ये अपने सुविधा के अनुसार अपने जो भी है उसकी रिकॉर्डिंग जो है आप उसको देख सकते हो, ठीक है, आई बात समझ में। और ये तो हुआ जाकर के इस तरह से लेक्चर को ड्राइव किया गया है, इस तरह से लेक्चर को प्लेस किया गया है कि किसी भी जो वीकेस्ट से वीकेस्ट स्टूडेंट है वो भी हम लोगों की बातों को समझ सकता है, प्लस मीडियोकर जो है वो तो समझेगा ही, प्लस टॉप ऑर्डर के जो बैचेस, टॉप ऑर्डर के जो बच्चे हैं उनके लिए जेई एडवांस लेवल पे एक से एक खतरनाक क्वेश्चंस इस तरह से आपको वीडियो में मिलेगा कि आप जाकर के कोई भी किसी का भी पैकेज XYZ ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जिस किसी का भी पैकेज उठाओगे तो सारा मैक्सिमम आपके साथ सॉल्व होगा, इस तरह से लेक्चर की डिलीवरी होगी। ये तो हुआ कि लेक्चर की डिलीवरी, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा,
आप करोगे उसमें जो डाउट्स होगा वो डाउट्स जो है हम लोग व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस भेजोगे, हम लोग लगे रहेंगे और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है हमारे सिस्टम की तरफ से कमिटमेंट। मैं बी के मिश्रा, एकेडमिक डायरेक्टर, फिजिक्स प्लैनेट, देहरादून। और इसका जो है आप जब जाओगे वेबसाइट, जब खोलोगे फिजिक्स प्लैनेट का, तो आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, कहाँ है, कैसे है, कौन सा टीचर्स हैं, सारी चीज़ें आप वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा और हमारी कंपनी फिजिक्स प्लैनेट का जो है शॉर्ट आपका इंट्रो हुआ। अब मैं इंट्रो पे ज़्यादा समय देना नहीं चाहता। मैंने अपने लाइफ में 30 इयर्स इस फील्ड में बिताया है और 30 इयर्स में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है IIT JEE और नीट वगैरह और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरे स्टूडेंट ने पढ़ा और बहुत हाई पोजीशंस पे जो है, बहुत हाई पोजीशंस पे ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के अब्रॉड में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ आज इंट्रोडक्टरी क्लास, और वो है आपका बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स जो है आज शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम आपको जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बिना जो है आप आगे इन इक्वेशंस की को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से पहले मैं सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ, सेट थ्योरी के बाद नंबर सिस्टम बताऊँगा, और नंबर सिस्टम के बाद तब आपको इक्वेशंस और इन इक्वेशंस बताएंगे जिसकी ज़रूरत हर जगह होगी। ठीक है, अब देखो हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी है फर्स्ट, ये किनके, इसका फाउंडर कौन है? सेट थ्योरी का फाउंडर जॉर्ज केंटर, जर्मन मैथमेटिशियन। ये कहाँ की है? जर्मन मैथमेटिशियन। ठीक है, अब उसके बाद है कि क्या सेट को डिफाइन कर सकते हैं? तो सेट को हम लोग जो है डिफाइन नहीं कर सकते। व्हाट एवर वी से अबाउट द सेट, दैट इज नॉट द डेफिनेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन में डिफरेंस है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी चीज, अब देखो कोई भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये मैंने लिया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब सब लोग कुछ कुछ करेगा, कोई सोच सकता है कि ये डस्टर का हो सकता है, कोई सोच सकता है कि नहीं, अब मेरे हाथ में पीछे तो आप देख नहीं रहे हो। तो सबका कॉन्सेप्ट इसके लिए अलग अलग बन सकता है। कोई ये सोच सकता है कि ये जो है क्लॉथ वॉशिंग के लिए जो है ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता ना, आप तो देख नहीं रहे हो, अरे ऐसे दिखा दूं तो क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेग में रहता है, और वो थॉट्स जो है हर आदमी के लिए बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या होता है, किसी चीज़ को बाउंड कर देता है। क्या कर देता है? बॉन्ड कर देते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, तो आप कहोगे ना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स, यही बोलते हो ना। नाउन इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया। अब मैं बोलूं कि बी के मिश्रा क्या हुआ, नाउन या क्या बोलोगे, नाउन है। मैं बोलूं देहरादून, क्या बोलोगे, नाउन है। ठीक है, मैं बोलूंगा
पेन क्या बोलोगे, नाउन है ना। तो जितने, तो ये तो बाय डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो ठीक उसी तरीके से ये तुम लोग दिमाग से निकाल लो कि सेट थ्योरी, सेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है, व्हाट इज सेट? अब है हमारा व्हाट इज सेट, यही है क्वेश्चन मार्क। सेट है क्या? तो पहली बात है, सेट इज अनडिफाइंड टर्म, सेट इज अनडिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म है। तो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ठीक है। तो जॉर्ज कैंटर ने जो जर्मन लैंग्वेज में लिखा था उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैं दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या था उनका कॉन्सेप्ट, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर इंट्यूशन और थॉट, इंट्यूशन और थॉट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर इंट्यूशन और थॉट दैट फॉलो अप द सर्टेन रूल and they are distinct and they must be distinct। यही आई बात समझ में। अब देखो मैंने क्या कहा, गौर से ध्यान देना, मैंने लिखा है कि सेट, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन किसका, तो ऑब्जेक्ट्स का, ऑफ आवर इंट्यूशन और थॉट दैट फॉलो अप द सर्टेन रूल एंड दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट। आई बात समझ में। देखो जॉर्ज केंटर के अकॉर्डिंग, इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेट क्या है, दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है जो सर्टेन रूल को फॉलो करे, वैसे पर्टिकुलर कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेट कहेंगे। और ये डेफिनेशन नहीं है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। आई बात समझ में। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं कि क्या स्कूल इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स है या नहीं, स्कूल इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स है या नहीं। बिल्कुल है, क्यों है, कि सारे स्टूडेंट्स का चेहरा क्या है, एक ही होता है क्या, सबका अलग अलग, ऑल आर डिस्टिंक्ट। और क्या होता है, स्कूल में जाने के बाद एक सर्टेन रूल है, क्या रूल है, दे हैव टू रीड एंड राइट देयर, दे हैव टू फॉलो अप द नॉर्म्स ऑफ स्कूल्स, गाइडलाइंस ऑफ स्कूल्स, ये डेफिनेटली मैंडेटरी है। दैट्स वाई वी से दैट, और स्कूल क्या है, स्कूल में कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो सारे डिस्टिंक्ट है, और वो सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन रूल को फॉलो अप कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट स्कूल इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए एग्जांपल, एग्जांपल स्कूल फर्स्ट, स्कूल इज द सेट ऑफ
स्टूडेंट्स. सेकंड, इंडिया इज द सेट ऑफ स्टेट्स. आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपको पता ही है. उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, ये सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे. लेकिन सब क्या है? सबका मोटो एक है ना, फॉर द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया. सबको यूनाइट होकर के चलना पड़ता है, ठीक है. अखंड भारत के लिए सबको यूनाइट होकर के चलना ही चलना है. और ये मैं वीडियो जो है स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए बनाया है, ठीक है. नॉर्थ इंडिया के लोग इंग्लिश हिंदी मिक्सअप करके समझते हैं, दैट्स व्हाई हमने जो है इसको इस तरह से किया है. चाहे दूर से दूर बिहार के बच्चे हो, चाहे दूर से दूर यूपी के बच्चे हो, दूर से दूर उत्तराखंड के बच्चे हो, ये सब जो है मेरे लेक्चर को बहुत ही इजी वे में समझ सके, है ना. कई बच्चे जो है मैं देखता हूँ, जब बहुत दूर से, जब मैं दिल्ली में था और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता था. तो मैंने उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियो किया है, ताकि मेरा एक दूर से दूर गांव देहात के भी बच्चे, जो मेजर स्केल में उस तरह के बच्चे हैं हमारी कंट्री में, वो नॉर्थ इंडिया में ईजिली समझ सके. टैलेंटेड के लिए तो है ही, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम है नहीं. चाइनीज लोग कैसे अपनी भाषा में केवल अपना यूज़ करते हैं? वो तो कोई इंग्लिश लेते नहीं, ठीक है. तो हिंदी तो कॉमन सा लैंग्वेज है. नो, फिर मैं साउथ इंडिया के लिए जो है स्पेशली इंग्लिश मीडियम में बनाऊंगा, वो मेरा बाद में लेक्चर डिलीवर होगा, ठीक है. बट क्लास के अंदर हम लोग जो है ये मेंटेन रखे हैं कि इंग्लिश हिंदी मिक्सअप करके जो है बच्चों को इस तरह से पढ़ाए. लिखी तो सारी बातें इंग्लिश में ही जाएंगी, कन्वर्सेशनल जो लैंग्वेज होगा जिसमें आप कंफर्ट जोन में जीते हो, उस लैंग्वेज से हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ, ठीक है. अब इंडिया इज द सेट ऑफ स्टेट्स. अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्संस. थर्ड, अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्संस. अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्संस, क्या ये सेट है? क्यों नहीं है? देखो, सारे पर्शंस तो क्या है, डिस्टिंक्ट तो होगा ही. अरे किसी का किसी से चेहरा मिलता थोड़ी है, जुड़वा भाई का भी थोड़ा बहुत अंतर रहता ही है, है ना. ये बात हकीकत है. तो भैया डिस्टिंक्ट तो मेंबर्स मिल गया. वर्ड इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट ढूंढ रहा है, ठीक है, ये भी कुछ हद तक हुआ. बट ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों? क्योंकि इन विच रिगार्ड यू आर सर्चिंग द इंटेलिजेंट पर्सन्स. अब किस रिगार्ड में देखना चाह रहे हो? कोई खेलने में इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है, कोई खेलने में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई जाकर के पढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है, कोई जो है झूठ बोलने में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई ठगने में इंटेलिजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आई बात समझ में? ठीक है. तो सबका इंटेलिजेंट, तो यहां पर इंटेलिजेंट वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब है ये कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, ठीक है, वर्ड इंटेलिजेंट लिए हैं, बट यहां पर ये जो पर्शंस है एक सर्टन रूल को फॉलो अप नहीं कर रहा कलेक्शन, इसलिए ये सेट नहीं है. अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्संस इज नॉट अ सेट. फोर्थ वन, अब बताओ द फेयर. फेयर मीन्स फेयर एंड लवली की बात मैं नहीं कर रहा. फेयर मतलब गोरा भी नहीं कर रहा, मेले की बात मैं कर रहा हूं. द फेयर, क्या ये सेट है? द फेयर क्या सेट है? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पर्संस जो आए वो तो सारे डिस्टिंक्ट है, सबका चेहरा अलग है, लेकिन सबका मोटो एक नहीं है. दे आर नॉट फॉलोइंग
फॉलो अप द जॉर्डन रूल, क्या नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। अब देखो कोई क्या जाएगा खाने के लिए, कोई क्या जाएगा मजे लेने के लिए, और कोई अजानते ही हो कि देख दो कितना थप्पड़ खाते हैं पुलिस से, कुछ लोग मस्ती मारने जाएगा, कुछ उस भीड़ में पिक पॉकेटिंग करने भी चला जाएगा। सबका मोटो एक नहीं है, और जब मोटो एक नहीं है तो वैसे कलेक्शन, वैसे गैदरिंग्स को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। द फेयर इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सेट। अब ये सब तो दिख रहा था ना भाई, चाहे लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो वो दिख रहा था, फिजिकल प्रेजेंस था उसका। तो मैंने क्या लिखा है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर इंट्यूशन और थॉट, यानी हम अपने जितने चीजों के बारे में सोचें या कल्पना करें उसके ऑब्जेक्ट्स अगर डिस्टिंक्ट हो और सर्टेन रूल को फॉलो अप करें तो वो जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली सेट होगा। अब मैं ले रहा हूं आपको कि अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फिफ्थ नंबर, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लव अफेक्शन और हेट, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लव अफेक्शन एंड हेट, क्या ये सेट है, क्या ये सेट होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो लव तो दुनिया जानती है, तुम लोग तो समझते ही होगे, खूब बोलते होगे आई लव यू, तो इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, अफेक्शन है अफेक्शन। अब जैसे मान लो कि हम तुम्हारे गुरु हैं या तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो तुम्हारे साथ क्या होगा, अफेक्शन होगा, है ना, जिसको हिंदी में स्नेह बोलते हो, प्यार, वो अलग चीज है, ठीक है। और हेट, और जैसे ही दो फ्रेंड के बीच झगड़ा होता है तो क्या बोलता है, आई हेट यू, 36 का आंकड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक सेट है, दिस इज द सेट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, क्या है, ह्यूमन इमोशंस का सेट, दिस इज द सेट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अब ये दिखता तो नहीं है, बोलो फीलिंग्स है ना, और फीलिंग्स जो है चेहरे पे दिखने लगते हैं, जैसे कोई तुम्हारा सबसे डियरेस्ट कोई आ गया तुम्हारे सामने तो देखो तुम्हारा चेहरा कितना खिल जाता है, ठीक है ना, और कोई तुम्हारा दुश्मन आ गया तो बस देखो चेहरा कैसे तुरंत बिगड़ जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि कैसे कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे, तो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक में यही चीज ढूंढने हैं कि किस तरह का कलेक्शन जो है सेट होता है, ठीक है, किस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। नाउ इट विल बी क्लियर फॉर यू, ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एलिमेंट ऑफ ए सेट, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ ए सेट। और जो आप वीडियो में देख रहे हो ठीक इसी तरह की टीचिंग सारा नोटबुक आपका क्लास में बन जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स में, आपको घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नोटबुक अलग से नहीं बनाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो। वैसे हम लोग जो है आपको कहेंगे भी नहीं, हम लोग जो देंगे उतना कर लोगे, तो सर्टेन है कि नीट, अगर मेडिकल में होगा तो नीट क्वालिफाई होगा, इंजीनियरिंग में होगे तो कहीं ना कहीं NIITs या जा करके IIT में होना ही होना है, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं करोगे तब तो दुनिया जानती है, ये आपके मेहनत पे, ठीक है। अब यहां से एलिमेंट ऑफ ए सेट,
मेंबर्स ऑफ ए सेट, मेंबर्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स. मेंबर्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स. क्लियर है? अभी यहां पे ध्यान देना, एग्जाम्पल. इफ नंबर वन, इफ स्कूल इज द सेट देन स्टूडेंट्स आर इट्स एलिमेंट्स. सेकेंड थिंग, इफ इंडिया इज द सेट देन स्टेट्स आर इट्स एलिमेंट्स. समझ में बात आ गई? अगर इंडिया सेट है तो स्टेट्स क्या हो जाएगा? इसका एलिमेंट्स होगा. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं. अबे हम लोग लेटर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड एलिमेंट्स बाय लेटर्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड एलिमेंट्स बाय लेटर्स. क्लियर? अब ध्यान देना, पहली बात, सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज बाय ए बी सी एक्स वाई जेड. ठीक है? सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज बाय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डॉट 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 एक्स वाई जेड. ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ये नोट कर लिया आप लोगों ने. अब आगे बढ़ते हैं. एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर जनरली डिनोटेड बाई ए स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज बाय ए स्मॉल ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड. क्लियर है? ठीक हो गया.